तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके ओवरऑल लुक्स के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में, क्या आपको देखने को मिलता है इसके एक्सटीरियर में, क्या आपको देखने को मिलता है इसके इंटीरियर में, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेट्स गो। तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक से। फ्रंट में आपको ऑल न्यू ग्रिल देखने को मिलती है एंड यहाँ देख सकते हैं आपको सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिलेगी इसकी ग्रिल में। बीचों बीच आ जाता है टाटा का लोगो एंड नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे दो फ्रंट में। ग्रिल के नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस देखने को मिलेगा एंड उसी के जस्ट नीचे आ जाएंगे तो स्किड प्लेट पे भी आपको वैसा ही सेम पैटर्न देखने को मिलेगा ग्रिल वाला। यहाँ पे आपको एडास का रेडार देखने को मिलेगा नीचे वाली ग्रिल पे। बम्पर आपको बॉडी कलर देखने को मिलेगा। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको इसके हेडलैम्प देखने को मिलेंगे, उसी के साथ जस्ट नीचे यहाँ पे छोटू से आपको फॉग लैम्प देखने को मिलेंगे। इस तरफ आ जाएंगे इसके कनेक्टेड डीआरएल्स जो देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगते हैं एंड ये एक्ट करते हैं एज एन इंडिकेटर भी। बोनट एरिया देख सकते हैं काफी ज्यादा ब्रॉड देखने को मिलता है, काफी ज्यादा मस्कुलर सा देखने को मिलता है। फ्रंट में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे टू वाइपर एंड वाइपर भी आपको काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं, वो डंडी जैसे वाइपर देखने को नहीं मिलते इसमें। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको लेन कीप असिस्ट वगैरह का देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा भी है छोटा सा जो आपको दिखाएगा आगे आपकी गाड़ी कैसे चल रही है ये वो। साथ ही साथ रेन वाइपिंग सेंसिंग का फीचर भी आ जाता है इसमें। तो ये थे दोस्तों कंप्लीट इसके ओवरऑल फ्रंट लुक। अब चलते हैं साइड में, साइड में चल के एक्सप्लोर करते हैं इस गाड़ी के साइड लुक्स को। तो कुछ ऐसी देखने को मिलती है ये गाड़ी आपको साइड से, काफी ज्यादा ब्रॉड आपको देखने को मिलेगी साइड से भी। यहाँ पे आ जाएंगे इसके ड्यू शेप्ड अलॉय व्हील्स। टायर प्रोफाइल की बात करूं तो टायर प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगी 235/60R18 18 इंचेस के आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे। उसके जस्ट ऊपर आपको देखने को मिलेगी ब्लैक कलर की क्लैडिंग जो कि पूरी कार को कवर कर रही है। यहाँ पे आपको हैरियर की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। इस तरफ देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा ब्रॉड से इसके साइड के ORVM देखने को मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड टर्निंग इंडिकेटर्स। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको साइड लेन कैमरा देखने को मिल जाएगा एंड ORVM के अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये जो साइन देख रहे हैं, कोई भी गाड़ी साइड से जाएगी तो ये रेड होना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये जो साइन है, ये वाला पूरा पैनल आपको ब्लैक पियानो फिनिशिंग में देखने को मिलता है जो कि पीछे तक जा रहा है। ए पिलर, बी पिलर एंड सी पिलर आपको ब्लैक पियानो फिनिशिंग में देखने को मिलेंगे। विंडोज तो इसकी काफी ज्यादा ब्रॉड है ही और जो सी पिलर के पास वाली विंडो है उसका एरिया भी देख सकते हैं आप, यहां से लेकर यहां तक पूरा कवर किया हुआ है। हालांकि पीछे का देखने का एरिया इतना ही है, बाकी सारा जेड ब्लैक हो रखा है, बट आपको ये पैनल भी काफी ज्यादा ब्रॉड देखने को मिल जाता है। डोर हैंडल्स की बात करूं तो ये आपको बॉडी कलर देखने को मिलेंगे। रिक्वेस्ट सेंसिंग का फीचर आ जाएगा ड्राइवर साइड। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स देखने को मिल जाएंगे, ब्लैक मैट फिनिशिंग में है ये। एंड सबसे बढ़िया चीज, इस गाड़ी में आपको पैनारोमिक सनरूफ देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका फ्यूल टैंक एरिया, डीजल में ही अवेलेबल है ये गाड़ी तो यहाँ पे डीजल की मार्किंग ही देखने को मिलेगी। तो ये तो दोस्तों कंप्लीट इस गाड़ी का साइड प्रोफाइल। अब चलते हैं रेयर में, रेयर में चल के एक्सप्लोर करते हैं इस गाड़ी के रेयर प्रोफाइल को। तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको इस गाड़ी का रेयर प्रोफाइल। यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे इसका इंटीग्रेटेड स्पॉइलर जो कि काफी ज्यादा स्पोर्टी सा लग रहा है और काफी ज्यादा बढ़िया कर दिया पहले से, देख सकते हैं काफी ज्यादा गहराई है यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा इसका हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, उसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वॉशर देखने को मिल जाएगा, रेयर डिफोगर, रेयर वाइपर, वोकल फॉर लोकल की बैजिंग
इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लैम्प देखने को मिल जाएगी। इसी के बीचों बीच आ जाएंगे यहाँ पे टर्निंग इंडिकेटर जो कि सिक्वेंशियल में रहने वाले हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड बीचों बीच आ जाएगा टाटा का लोगो, ब्लैक पियानो फिनिशिंग दी गई है इसके। यहाँ पे हैरियर की बैजिंग आ जाएगी पीछे की साइड। बम्पर देखेंगे तो बम्पर आपको काफी ज्यादा मस्कुलर सा देखने को मिलेगा। स्किड प्लेट आ जाएगी ब्लैक पियानो फिनिशिंग में। बम्पर में 2 सेंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। नीचे की तरफ ब्लैक मैट और फिनिशिंग आएगी। एंड ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये बॉडी कलर रहने वाला है। यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। एरोडायनामिक कर्टेन्स इस साइड आ जाएंगे। तो ये तो दोस्तों कंप्लीट इस गाड़ी का एक्सटीरियर। अब चलते हैं इंटीरियर में। इंटीरियर में चल के एक्सप्लोर करते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर को। इंटीरियर में चलने से पहले मैं आपको इस गाड़ी की कीज दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी आपको इस गाड़ी की कीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे आ जाएगा इसका लॉक बटन, यहाँ पे आएगा अनलॉक बटन। एंड इसे आप प्रेस करेंगे तो देखिए कुछ ऐसे इसके DRS देखने को मिल जाएंगे। एंड ये हेडलैम्प्स भी ऑन हो जाएंगे। फॉलो मी हेडलैम्प्स का फीचर आ जाएगा इसकी कीज में। इसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो इसका टेल गेट ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं कुछ ऐसे। इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट आपको देखने को मिलेगा, पूरा टेल गेट देख सकते हैं। मैंने लॉन्ग प्रेस करके रखा और पूरा टेल गेट जो है ओपन हो गया। यहाँ पे आपको 445 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा, जिसमें एक बंदा काफी आराम से लेट के जा सकता है। किसी को किडनैप वगैरह करना हो, 2 बंदे किडनैप करके लेके जा सकते हैं इस गाड़ी में आप। यहाँ पे आ जाएगी इसकी इंटीग्रेटेड पार्सल ट्रे। एंड इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक बटन देखने को मिलेगा, जिसे आप प्रेस करोगे तो ये टेल गेट क्लोज हो जाएगा। और ग्रैब हैंडल भी दिया गया है, काफी हैवी है ये। अगर मैं इसे हल्का सा ही पुश करूँ तो ये नीचे नहीं आएगा। अगर मैं इसे प्रेस करूँ, एक बार रिस्क लेके देखते हैं। जैसे मेरा हाथ आ गया, नहीं रुका यार, ये हाथ आ गया तो लेके ही चला जाएगा, बहुत हैवी टेल गेट है। आओ अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में। तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको इस गाड़ी का इंटीरियर, जो कि कहीं ना कहीं यार अंदर से देखने में लग रहा है कि लैम्बोर्गिनी से इंस्पायर है काफी ज्यादा। देख सकते हैं डुअल टोन में ब्लैक एंड इसका येलो कार्बन फाइबर की जो लुक आ रही है ना यहाँ पे, काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी लेदर की फिनिशिंग। यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं इसका पैटर्न देखने को मिलेगा, जो कि टाटा हैरियर और नेक्सोन में आपको कहीं बार देखने को मिला है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इसके डोर हैंडल जो कि सिल्वर सी फिनिशिंग में है। ग्रैब हैंडल आ जाएगा, यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट लेदर सी फिनिशिंग देखने को मिलेगी। इस साइड देखेंगे ब्लैक पियानो फिनिशिंग आ जाएगी। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 1 लीटर बोतल स्पेस एंड डॉक्यूमेंट होल्डर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ अम्ब्रेला होल्डर भी दिया गया है यहाँ पे। रिफ्लेक्टर आ जाएंगे इस तरफ। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स दी गई है विद 3 मेमोरी फंक्शन फीचर, मतलब 3 बंदे अलग अलग ड्राइव कर रहे हैं तो उन्हें आसानी रहेगी काफी ज्यादा। इस तरफ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ये सीट्स हैं एंड साथ ही साथ वेंटिलेटेड भी है ये सीट्स। चलते हैं अब इसके अंदर अंदर चल के देखते हैं कि कैसा देखने में लगता है इसका इंटीरियर। यहाँ पे आ जाते हैं इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, देख सकते हैं कुछ ऐसा सा आपको देखने को मिलेगा। अभी डोर ओपन है तो ये शायद इग्निशन भी ऑन करेगा या नहीं, कर रहा है। टाटा मोटर्स IRA एनिमेशन देख सकते हैं, काफी ज्यादा बढ़िया सा लग रहा है ये। और ये जो इल्यूमिनेटेड लोगो है ना इसका, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। 2 स्कोप नहीं 4 स्कोप स्टेयरिंग व्हील आपको देखने को मिलेगा और काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है यार ये स्टेयरिंग व्हील। हॉर्न आपको कुछ ऐसा सा सुनाई देगा एंड इसे प्रेस करेंगे हर जगह से ये दबेगा यार। कुछ ऐसा नहीं है कि बीच में अगर स्क्रीन सी दी गई है तो नहीं दबेगा, हर जगह से दब रहा है। मैं अगर गाड़ी चलाते चलाते ऐसे भी प्रेस करूं तो भी दब रहा है, ऐसे भी प्रेस करूं, जहां मर्जी से प्रेस करूं दब ही रहा है। इस साइड आपको क्रूज कंट्रोल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आ जाएंगे इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल। 12.25 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है विद 360 डिग्री सराउंड व्यू कैमरा, देख सकते हैं एक गाड़ी आ गई। और मैं इस गाड़ी का कलर भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे चाहूँ ना, या टच रिस्पॉन्स काफी ज्यादा स्मूथ है इसका, देख सकते हैं। पार्क ब्रेक एंगेज प्लीज रिलीज, हर कैमरा मैं देख सकता हूँ इसका कि कहाँ से मेरे को कौन सा कैमरा देखना है, फ्रंट देखना है, साइड देखना है, सब कुछ यहाँ पे हम देख सकते हैं। उसके अलावा बाकी बात करें
तो ये देख सकते हैं काफी ज्यादा बढ़िया है, ये मूड लाइट आ गई, मतलब यहां से मैं कलर वगैरह काफी ज्यादा चेंज भी कर सकता हूँ। बहुत ज्यादा बढ़िया है यार, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके, कोई नहीं इसकी स्पेशल स्क्रीन के लिए अलग से एक वीडियो निकालेंगे। ऊपर की तरफ आपको IRVM देखने को मिल जाएगा, ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, एंड को ड्राइवर साइड सनवाइजर में आ जाएगा वैनिटी मिरर विद लाइट, हैलोजन में दी गई है दोनों लाइटें। इसमें भी टाटा नेक्सोन वाला फीचर है कि आप साइड पैसेंजर ऑफ कर सकते हैं, जो कि चाइल्ड के लिए यहाँ पे बना भी हुआ है चाइल्ड वाला लोगो। एंड ये जो बीच की लाइट है ये भी आपको LED में देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इसके सनरूफ से रिलेटेड कंट्रोल, कुछ ऐसी आपको इसकी सनरूफ देखने को मिलती है। तो वो लाइटनिंग ये है जिसकी मैं बात कर रहा था, एम्बेड लाइटनिंग आपको देखने को मिलेगी ऊपर की तरफ सनरूफ में, काफी ज्यादा प्यारी लग रही है यार ये। तो एक बार इसकी सनरूफ ओपन करके देखते हैं, देख सकते हैं कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी इसकी सनरूफ, काफी ज्यादा बड़ी है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ब्लैक में है, इसका फिल्म वगैरह चढ़ी हुई है। अगर आप ये कर्टेन को पीछे रखते हैं तो भी काफी ज्यादा रोशनी आने वाली है अंदर कैबिन में, और आपको हीट वगैरह भी नहीं लगेगी इतनी। अभी के लिए इसे बंद कर देते हैं, देख सकते हैं वन टच में बंद होती है ये पूरा, ये कर्टेन भी पीछे से आगे आ गया। अगर मैं कर्टेन की क्वालिटी की बात करूं तो यार मारुति के कर्टेन से तो काफी ज्यादा हैवी है और काफी ज्यादा बढ़िया है। पूरा इंटीरियर ऊपर से भी ब्लैक है, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, बट हीट बहुत जल्दी होगी ये गाड़ी। यहाँ पे आपको JBL के ट्वीटर्स देखने को मिलेंगे, एंड इस तरफ आ जाएंगे इसके ORVM से रिलेटेड कंट्रोल्स। यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं सबवूफर टाइप देखने को मिल जाएगा बीचों बीच। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको AC वेंट्स देखने को मिलेंगे, उसी के जस्ट नीचे आपको AC से रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, एंड एम्बेड लाइटिंग देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, जो देखने में काफी ज्यादा प्यारी सी लग रही है, देख सकते हैं। स्टिचिंग भी देख सकते हैं येलो कलर की आ रही है ब्लैक लेदर के बीच में, जो देखने में काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। उसके जस्ट नीचे और यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं इसके मोड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। लेट मोड इज एक्टिवेटेड, देख रहे हो फील है मतलब इसमें, और जैसे ही मैंने वेट मोड एक्टिवेट किया यहाँ पे भी एनिमेशन मेरे को देखने को मिलेगा। ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, आ जाए एनिमेशन बेसिक क्यों करा रहा है। वेट मोड इज देखो कुछ ऐसे। रफ रोड मोड इज एक्टिवेटेड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, और भी मोड हो गया, रफ रोड मोड, वेट मोड, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। देख रहे हो मतलब ये सारे आपको मोड्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। एंड ये जो इसका गियर लीवर है ना काफी ज्यादा बढ़िया है यार, ये लैम्बोर्गिनी जैसा ही लग रहा है मेरे को, और छोटा सा काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है इसे, ऐसे अगर मैं पीछे करूंगा तो ये ड्राइव पे चला जाएगा, जो कि अभी हमें करना नहीं है। रियर में न्यूट्रल ड्राइव पार्क, एंड अगर इसे मैं इधर उधर पुश करूँ तो हो सकता है मैनुअल भी चल जाए। यहाँ पे आपको ऑटो होल्ड फीचर के साथ इलेक्ट्रिकली पार्किंग ब्रेक्स मिल जाती है, ब्लैक पैनो फिनिशिंग देखने को मिलती है आसपास, जो देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। 2x3 कप होल्डर्स देखने को मिलेंगे, इस तरफ आ जाएगा इसका लेदर रैप आर्म रेस्ट येलो कलर की स्टिचिंग के साथ, एंड देख सकते हैं इसके अंदर काफी अच्छा आपको स्पेस देखने को मिल जाएगा। 12V का पावर सॉकेट भी दिया गया है, 5V का 2.4A का USB सॉकेट भी दिया गया और टाइप सी सॉकेट भी है। एंड ये जो एरिया है ये कूल्ड है, इसमें मतलब अगर आप कैंस वगैरह रखे ड्रिंक के तो चल जाएंगे, ठंडे रहेंगे, मजा भी आएगा। यहाँ पे आपको ग्लोव बॉक्स देखने को मिल जाएगा, ग्लोव बॉक्स का स्पेस काफी ज्यादा अच्छा दिया गया है, पेन होल्डर भी है, लैपटॉप होल्डर भी है, टैबलेट होल्डर भी है, और स्पेस भी काफी ज्यादा बढ़िया है इसमें। उस तरफ आपको को पैसेंजर साइड के एयरबैग की बैजिंग एंड AC वेंट्स देखने को मिलेंगे। एंड ये जो आ रही है ना बीच में कार्बन फाइबर जैसा लुक जो दे रही है ना, ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है ये चीज। ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल IRVM आपको देखने को मिल जाएगा। इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे आपको वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल देखने को मिलेंगे, एंड इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे इसके हेडलैम्प से रिलेटेड कंट्रोल। और अगर आपको मैनुअल चलानी है पैडल शिफ्टर के साथ तो आप वैसे भी चला सकते हैं, क्योंकि इसमें पीछे आ जाते हैं पैडल शिफ्टर,
देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का साइन एंड इस तरफ प्लस का साइन, मतलब यहाँ से आपके गियर अप होंगे एंड यहाँ से आपके गियर माइनस होंगे। तो ये है दोस्तों कंप्लीट इस गाड़ी का फ्रंट प्रोफाइल। अब चलते हैं रेयर में, रेयर में चल के एक्सप्लोर करते हैं इस गाड़ी के रेयर प्रोफाइल को। एंड कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको इसका रेयर डोर, यहाँ पे आपको सनशेड देखने को मिल जाएंगे। अब यार ये कंपनी के थ्रू आते हैं, इसका भी चलान है दिल्ली में, क्या करे, बट धूप वगैरह से हमें ही बचाएंगे ये। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वही सेम डोर हैंडल, विंडो से रिलेटेड कंट्रोल्स, ग्रैब हैंडल, ब्लैक पेनो फिनिशिंग दी गई है यहाँ पे। बस एक चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाता है, अम्ब्रेला होल्डर आ जाता है, 1 लीटर बोतल स्पेस, नीचे JBL के स्पीकर दिए गए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आएगा रिफ्लेक्टर। कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको इसका रेयर इंटीरियर, जो देखने में काफी ज्यादा बढ़िया सा लग रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके जो हेड रेस्ट हैं काफी ज्यादा बढ़िया आपको देखने को मिलेंगे, देख सकते हैं, मतलब फुल मजा आएगा आपको आराम करने में। बीचों बीच आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा आर्म रेस्ट विथ 2 कप होल्डर्स, इसे अभी के लिए बंद कर देते हैं, देखते हैं इसकी सिटिंग वगैरह कैसी है अंदर से। यहाँ पे देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस दिया गया है, बम्प वगैरह बीच में ही है मिडल में, जो कि इतनी दिक्कत नहीं करेगा, बम्प थोड़ा ज्यादा है, बट अगर मैं यहाँ पे एक पैसेंजर बिठाऊं, वहां पे एक पैसेंजर बिठाऊं, बीच में एक पैसेंजर बिठाऊं जो एक टांग इधर और एक टांग उधर करे, तो फिर काफी आराम से बैठ सकता है। बाकी बैठ के देखते हैं, देख सकते हैं आगे वाली सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है एंड लेग स्पेस कितना ज्यादा बढ़िया देखने को मिल रहा है। ये आगे वाले भाई थोड़ा अभी सीट छेड़ रहे हैं आगे पीछे करके। एंड हेडरूम काफी अच्छा हेडरूम देखने को मिल जाता है, कोई चांस नहीं मिलता कि आपका सिर जो है ऊपर बजे, यार बहुत ज्यादा ऊंची है ये गाड़ी। और ये जो है ना हेडरेस्ट कमाल की है, एकदम बढ़िया मजा आ जाएगा आराम से, अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो और पीछे की तरफ ऐसे सोना चाहो, मतलब किसी के कंधे पे गिरने की जरूरत नहीं है आपको, हेडरेस्ट इतना मजेदार दिया गया, सो जाओ बस। और मैं यहाँ पे दिखाऊं बीच की तरफ बैठ के आपको इसके साथ और इसके साथ, तो देखते हैं कैसा सा एक्सपीरियंस रहता है। ये देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि एक टांग इधर रखेंगे तो एक टांग इधर रखेंगे, यहाँ पे 2 टांग और आने का भी स्पेस बच जाएगा एंड इस साइड भी। और देखो बीच में हेडरेस्ट नहीं है, ये तो कमी है ही, बट बैक भी ना इतनी कंफर्टेबल नहीं है जितनी कंफर्टेबल इस तरफ है, और इस तरफ है उतनी कंफर्टेबल नहीं है। बीच में बच्चा बैठ रहा है ठीक है, बट बच्चा भी अनकंफर्टेबल बैठेगा क्योंकि ये जो पीठ पे चुभ रहा है ना, मजा नहीं आया। रेयर से देखने में कुछ ऐसा देखेगा आपको इसका फ्रंट इंटीरियर, जो देखने में काफी ज्यादा प्रीमियम सा लग रहा है। एंड अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा फोन रखने का स्पेस मिल जाएगा, टाइप सी सॉकेट भी दिया गया है, यूएसबी सॉकेट भी दिया गया, मतलब जिसके पास टाइप सी केबल है वो टाइप सी से चार्ज कर ले, जिसके पास यूएसबी सॉकेट है मतलब यूएसबी केबल है वो यूएसबी से अपना ऑपरेट कर ले, सब कुछ दिया गया, सारी फैसिलिटी अवेलेबल है इस गाड़ी में। मतलब गाड़ी नहीं यार, चलता फिरता पावर बैंक कह लो या चलता फिरता घर कह लो इसे। एंड एक बारी इसके सनरूफ के मजे लेते हैं रेयर से, देख सकते हैं भाई साहब, मतलब लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो यार और सनरूफ खुली हो, ऐसे पहाड़ों वाला माहौल हो, हल्की हल्की लाइटनिंग अंदर आ रही हो, देख सकते हो कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। इंटीरियर में एक नई सी जान डाल दी, ये भाई ने बंद कर दी, पता नहीं क्यों कल पा रहता है यू। तो कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको इसका ओवरऑल लुक, ओवरऑल इंटीरियर एंड एक्सटीरियर। अब बात करते हैं इसमें सेफ्टी की, सेफ्टी की क्या ही बात करूं, 5 out of 5 रेटिंग ये गाड़ी लेके आई है ग्लोबल एनकैप में। इंजन की बात करूं तो इस गाड़ी में आपको इंजन दिखाते हुए बताते हैं क्या बढ़िया सा इंजन है इसका। भाई इंजन खोलो, बोनट खोलो, इसका बोनट दिखाएंगे। ओ भाई काफी ज्यादा हैवी है, कोई बंदा अगर बॉडी बनाना चाहे तो इसी से बना सकता है। कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको इसका 2 लीटर का डीजल इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 170 पीएस की मैक्स पावर एंड 350 एनएम का टॉर्क। देख सकते हैं काफी ज्यादा बड़ा इंजन है, काफी ज्यादा हैवी है यार ये बोनेट, काफी अच्छे से फुल पैक किया गया है इंजन को, देख सकते हैं हर जगह ध्यान दिया गया है।
और ये एरिया देख सकते हो, इसी से आप मजबूती का आइडिया लगा सकते हो कितनी ज्यादा मजबूत है ये गाड़ी। इस गाड़ी में टोटल आपको 7 कलर्स देखने को मिलते हैं। आवाज सुन रहे हो क्या तगड़ी आई है, मतलब हाँ। इस साइड भी आपको रिक्वेस्ट सेंसिंग का फीचर देखने को मिल जाएगा। हैरियर की बैजिंग इस तरफ भी आपको देखने को मिलेगी। जो मैं कह रहा था साइड पैसेंजर वाली बात, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। देख सकते हैं ये की का जो दिया गया है, मैनुअल की जो आती है इसके, उसमें भाई चाबी कहाँ है इसकी, और कुछ ऐसी आपको इसकी की देखने को मिलती है। देख रहे हो छोटू सी, यहाँ पे आप लगाएंगे, ऑफ करेंगे तो एयरबैग ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऐसा सा सिस्टम है। देखो टक की आवाज आई ना यहाँ पे, तो मतलब एयरबैग जो है ऑफ हो गया, और इस तरफ करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा। मतलब काफी ज्यादा बढ़िया फीचर दिया गया है। अगर आपका चाइल्ड वगैरह बैठे उस तरफ मुंह करके और एयरबैग खुल जाए, भगवान ना करे, तो इम्पैक्ट ना आए, दोनों की सेफ्टी है, तो कुछ ऐसी देखने को मिलती है आपको ये गाड़ी। प्राइसिंग की बात करें तो इस गाड़ी का प्राइस शुरू होता है, प्राइसिंग से पहले इस गेट की आवाज सुनो, मजबूती यहीं से पता लगती है यार कि टाटा है। प्राइसिंग की बात करें तो इस गाड़ी के प्राइस शुरू होते हैं 15.49 लाख एक्स शोरूम से लेकर 26.44 लाख एक्स शोरूम तक। एंड कलर्स की बात करें तो इस गाड़ी में 7 कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक है येलो कलर जो अभी आपने देखा, ये टॉप एंड वेरिएंट है इसका। दूसरा है कोरल रेड, तीसरा ग्रेस सा कलर आता है इसका, और चौथा लूनर वाइट कहते हैं शायद उसे, और एक आता है इसका ओब्रियन ब्लैक, एंड एक ग्रीन सा भी कलर आता है जिसे ये टाटा वाले सी वेड ग्रीन भी कहते हैं, और एक आता है एश ग्रे, ASH वाला एश ग्रे। वेरिएंट्स की बात करें तो इस गाड़ी में टोटल आपको 4 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला आ जाता है स्मार्ट, सेकंड वन इज प्योर, थर्ड वन इज एडवेंचर, एंड फोर्थ वन इज फियरलेस। तो ये था दोस्तों कंप्लीट एक्सटीरियर इंटीरियर और फीचर्स ऑफ द ऑल न्यू टाटा हैरियर फेसलिफ्ट 2023। आपको कैसी लगी ये गाड़ी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए कार्स डैडी को फॉलो करना ना भूले। मिलते हैं जैसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बी सेफ एंड ड्राइव सेफ।